जय हिंद साथियों, आज देश का बजट आया है और मुझे प्रधानमंत्री जी का एक नारा याद आता है। उन्होंने एक बार कहा था, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन आज का बजट देखने के बाद मुझे चार पंक्तियां याद आ रही हैं और मैंने चाहा कि इसको मैं प्रधानमंत्री जी को समर्पित करूं। अब प्रधानमंत्री जी का नारा बदल गया है, अब उनका नारा हो गया है कि ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये खेत नहीं बचने दूंगा, खलिहान नहीं बचने दूंगा, किसान नहीं बचने दूंगा, नौजवान नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, व्यापार नहीं बचने दूंगा, कर्मचारी नहीं बचने दूंगा, बैंक नहीं बचने दूंगा, LIC नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये रेल नहीं बचने दूंगा, ये सेल नहीं बचने दूंगा, BPCL नहीं बचने दूंगा, एयरपोर्ट नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा। प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपने ये बजट जो बनाया है ये किसके लिए बनाया है? अपने चार पूंजीपति मित्रों के लिए बनाया है, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए और पूरा देश उन्हीं को बेचने के लिए बनाया है? तो मुझे लगता है कि अब ये देश की जनता समझ रही है कि आप 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अपने चार पूंजीपति मित्रों के प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के हाथ पूरे देश की संपत्ति को आप गिरवी रखना चाहते हैं, धीरे धीरे करके आप सब कुछ बेचना चाहते हैं। ये आज के बजट में साफ तौर पर दिख गया। एक सपूत होता है वो अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाता है, एक कपूत होता है जो अपने परिवार की संपत्ति को बेचता है। आज आपको पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरह से रेल को, सेल को, LIC को, बैंक को, BPCL को, कोल को, सारी चीजों को बेचने पे लगे हुए हैं, एयरपोर्ट को बेचने पे लगे हुए हैं, ये पूरा देश